हो गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 22 माह बाद शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे 1.25 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग भी मान ली है। दिव्यांग जनों का शिक्षक बहाली का मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था, आज उस मामले की सुनवाई हुई है तथा उस मामले का निष्पादन भी हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया गया था, सरकार ने उसे मान लिया है। रोस्टर की गलती को भी माना गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज जो भी गलती है सब में सुधार किया जाएगा। फिर दिव्यांगजनों को मौका दिया जाएगा ताकि वो 15 दिन के अंदर अपने प्रेफरेंसेस को अप्लाई कर सके, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। दरअसल राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बीते साल प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। कोर्ट ने अब शिक्षक बहाली पर से रोक हटा ली है, जिसके बाद राज्य सरकार भी बहाली प्रक्रिया में जुट गई है। दिव्यांग की श्रेणी से अलग के लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनके तो वैलिड या वो कारगर रहेंगे ही, साथ ही दिव्यांग श्रेणी में भी जिन दिव्यांगों ने पहले आवेदन दिया था वो भी वैलिड रहेंगे। जो नहीं दे पाए थे, जो किसी कारणवश छूट गए थे, जो न्यायालय की इच्छा थी उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने 15 दिन का समय न्यायालय के हिसाब से वो बढ़ाया है, और ये सारी प्रक्रिया अब 15 दिन के लिए बढ़ जाएगी। हम लोगों के पास चॉइस भी, विकल्प भी यही दो था। मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। कह सकते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद वर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों की मांग मान ली है, आवेदन के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली गई है, और अब इसके बाद 15 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर पिछले साल शुरू की गई 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी, और सुनवाई पर फैसला आने तक कोर्ट ने 1.25 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। आज पीएम मोदी ने 12वीं